फ्रेंड्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयर के ऊपर ऐसे प्रश्न निकल कर आ रहे हैं कि जिस दिन इस शेयर ने अपर सर्किट लगाया, यानी कि अभी 2-3 दिन पहले 10% का इस शेयर में अपर सर्किट लगा था, उस दिन मैंने 300 रुपये पर इस शेयर को बाय किया है, तो अब यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए या फिर और क्या यहाँ पर रास्ता है। तो फ्रेंड्स, जिस वक्त ये शेयर 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसी दिन हमने बोला था कि इस शेयर को यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करना चाहिए, और आपने देखा भी वहाँ से ही हमको गिरावट देखने को मिली। और अभी ऊपरली लेवल की बात करें तो फ्रेंड्स, वहाँ से 40 रुपये इस शेयर में से निकल चुके, यानी कि 10% से भी ज़्यादा का सभी को लॉस दिखने लगा। और दूसरा फ्रेंड्स, मैं कभी स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली फंडामेंटल के आधार पर किसी स्टॉक को लेता हूँ, और जब तक उसमें अच्छा प्रॉफिट ना हो तब तक मैं शेयर को बेचना नहीं। और आप सभी को पता है फ्रेंड्स, IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हालांकि इसके वैल्यूएशन इतने ज़्यादा है कि ऊपरी लेवल पर इस शेयर को बड़े बड़े इन्वेस्टर भी बाय करना अवॉइड करते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और न्यूज़ आई थी कि इसके मैनेजमेंट के साथ जो दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टमेंट फर्म होते हैं उसकी मीटिंग थी 14, 15, 17, 21 तारीख तक, तो उनमें से किसी को अगर अगले आने वाले दिनों में इस कंपनी के शेयर में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद निचले लेवल से बाय करेंगे, तो जो भी ऊपर के लेवल पर इस शेयर को लेकर फंसे उसको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। हालांकि मुझे कोई बहुत बड़ी इस शेयर में अपसाइड की अपेक्षा नहीं है, तो आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपको सिर्फ होल्ड करके रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।